एलिवेट को आता है 220 सौ mm का ग्राउंड एम जो सबसे ज्यादा है इन दिस एंटायर कैटेगरी 458 फिफ्टी लीटर स्पेस को मिल जाता है इस कैटेगरी का सबसे बड़ा बूट साथ में 10 इंच की स्क्रीन आती है जो सबसे बड़ी होंडा कार इन इंडिया अभी आपको रिव्यू देखना है लेट्स गो

वो भी कंप्लीटली एलईडी यानी कि सारे व्हाइट लाइट आते हैं अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं इस गाड़ी का और वहीं पे साइड पे आते हो आप नोटिस करोगे 17 इंच के टायर्स देखिए टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप ना टायर से ही आता है नो ग्रिप मीन बैड परफॉर्मेंस और आपकी ब्रेकिंग भी है वो पोअर हो जाती है दैट मीन आपकी सेफ्टी कहीं ना कहीं हो जाती है कॉम्प्रोमाइज और देखिए हर एक SUV होना चाहेगा मेरे को एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले बट क्या आप जानते हो आपकी एसवी जो है ना उतनी ही केपेबल है जितने की उसके टायर्स इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स क्योंकि ये आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विथ बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग और ये सब आपको मिलता है आपकी माइलेज और टायर लाइफ पे बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अब मुझे इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग तो पसंद ही है साथ में आई इवन लाइक द फैक्ट कि ये टायर्स को स्पेसिफिकली ट्यून किया गया है फॉर बेटर कंप्रेशन ड्यूरिंग इम्पैक्ट घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा सिंपल बताता हूँ ये आपको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी देते हैं अब Elevate में आपको मिल जाते हैं जी हाँ, ये 220 mm का ground clearance देता है जो कोई भी और एसयूवी कैटेगरी में नहीं देती है अगर आप इसकी लेंथ देखते हैं मैं नंबर में नहीं जाने वाला बट साइज में अगर आप देखते हैं तो क्रेटा सेल्टॉस कुशाक टाइगुन एस्टर या फिर हाई राइडर जो एसयूवी आती है उनकी साइज की ही ये गाड़ी है व्हील बेस मतलब पहले आगे वाले पहिए से जो पीछे वाले पहिए तक का डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड व्हील बेस जितना बड़ा व्हील बेस होता है ना सेकेंड रो में उतनी स्पेस जनरली बढ़ती जाती है अब यहाँ पे आपको सात कलर्स आते हैं इन द एलिवेट सिर्फ तीन कलर्स में आपको ड्यूल टोन आता है तो एक ये ऑरेंज कलर आता है एक रेड कलर आता है और व्हाइट आता है उन तीनों में आपको ब्लैक रूफ दी गई है आपको रूफ रेल्स भी आ जाते हैं गाड़ी के अंदर एंड जो आप टॉप एंड मॉडल लेते हो वहां पे आपको सिल्वर या क्रोम फिनिश वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं अब पैसे एंट्री आपको दोनों साइड मिलती है लेफ्ट एंड राइट दोनों फ्रंट डोर्स पे मिलती है और यहाँ पे होंडा ने बिल्कुल कॉस्ट कट नहीं किया हुआ है आपके पास लेफ्ट साइड पे भी एक कैमरा दी गई है ऑन द मिरर एज वेल जैसे हम पीछे जाएंगे पीछे स्पॉइलर आ जाता है इंटीग्रेटेड शाकफिन एंटेना आ जाती है And again, tail lamps are connected. I mean, काफी सारे ऑटोमेकर्स क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं है, में नहीं आ रहा है अभी सिमिलर होते जा रही है ओके बूट स्पेस अगर आप देखते हो 458 फिफ्टी एट लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है इन द एलिट जो ये कैटेगरी में सबसे बड़ा है तो अगर एक पांच लोगों की फैमिली रोड ट्रिप पे जाने वाली है उनको सामान ले जाने में दिक्कत नहीं होने वाली है अब इसमें आपको सत्रह इंच के व्हील आता है बट जो स्पेयर व्हील आता है वो सोलह इंच का आता है और वो एलोय व्हील भी नहीं है अब एलिट में आपको ब्रांड न्यू इंटीरियर मिलते हैं चलो लेट गो लेफ्ट चेक इट आउट अब एलिट के इंटीरियर काफी सिंपलिस्टिक है यहां पे आपके पास बहुत ज्यादा बटन नहीं है बहुत ज्यादा कंट्रोल्स नहीं दिए गए इट्स क्वाइट इजी ऑन योर आई ब्लैक एंड ब्राउन कलर का, का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है टच एंड फील ऑफ मटीरियल अच्छा है इट्स अ मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट प्लास्टिक एक चीज जो यहाँ मुझे बहुत पसंद है सीट अब ये हमने सिटी में भी सिमिलर एक्सपीरियंस किया गया है ये काफी हद तक एक सोफा जैसे फील होते हैं ऑन द फ्रंट बहुत ही कंफर्टेबल है सॉफ्ट है तो अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो यू आर वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस बट जब आप हाईवे लॉन्ग ट्रिप्स पे कहीं जाते हो तब आपको इस पे थोड़ी थकावट होने लगती है क्योंकि आप कहीं कहीं ना सीट में थोड़े ढसने लगते हो बट फॉर सिटी यूज इट्स वेरी कंफर्टेबल अब जो दोनों सीट्स है वो इलेक्ट्रिकली नहीं मैन्युअली एडजस्टेबल है और यहाँ पे आपको हीटेड वेंटिलेटेड या मसाज कोई भी ऐसा फीचर नहीं दिया गया फॉर द फ्रंट सीट हाँ, ये लेदर डेफिनेटली है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा फील होता है स्टेयरिंग व्हील पे भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर ऑडियो एंड अडेप्टिव क्रूज अगर आप हायर वेरियंट्स लेते हो और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग है तो राइट right पार्ट जो है वो एनालॉग है जहां पे आपका स्पीडोमीटर आता है और लेफ्ट पार्ट जो है वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो आपको ए एडास दिखाना है आपको अपना टैकोमीटर देखना है पहले बार हॉन्डा में दस इंच का आया है जी होंडा ने पहले बार एक दस इंच का टच स्क्रीन यहाँ दिया हुआ है क्वाइट इजी टू ऑपरेट यू बहुत ही सिंपल है बेसिक है रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है However, it doesn't feel premium at any given point of time. आप दूसरी कॉम्पिटिशन गाड़ियों में देखते हो आपको जो यू आई मिलता है वो काफी अप मार्केट एंड प्रीमियम फील होते हैं ये सिंपल है जो क्वालिटी ऑफ आईकॉन है यू नो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ऑफ दैट टच स्क्रीन दैट कुड बी बेटर अब होंडा क्लेम करती है इसकी जो स्पीकर दिए गए प्रीमियम ऑडियो हमने इसे एक्सपीरियंस किया देश शायद नहीं बट ऑडियो क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और जो वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है उसे आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट मूव और साथ ही में इसमें आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड में नहीं आता और ये आपके टच स्क्रीन पे ही आ जाता है अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐसी दी गई है कि आप इसे पार्शली भी यूज कर सकते हो आप इसको फुल स्क्रीन पे भी यूज कर सकते हो तो आई थिंक ये बड़ी स्क्रीन आने की वजह से एक एडवांटेज यहाँ आ चुका है इसमें आपको सनरूफ आ जाता है बट इट्स नॉट नॉटरामिक सनरूफ अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें विच इज सेफ्टी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए एडाइज आ जाते हैं छे एयर बैग्स आ जाते हैं मैं आपके लिए सारी चीजें यहाँ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि, कि सारी फीचर्स क्या है एंड एडाइज में इसमें टोटल छह फीचर्स आते हैं जो मैं वो भी आपके लिए यहाँ लिस्ट डाउन करने वाला हूँ अगर मैं इस गाड़ी के दसे प्रैक्टिकलिटी की बात कर लूं, तो स्टोरेज स्पेसेस काफी सारे डोर पैड में बोतलें बैठ जाएगी आपके पास कप होल्डर्स है 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है दो यूएसबी भी है

डोर काफी वाइड खुल जाता है यहाँ गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते हैं दो चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे जो सीट पोजीशन पे मैं बैठा हूँ वहां पे एक्चुअली जो फ्लोर है ना वो ऐसा है ताकि मेरे पैर रिक्लाइन पे रहे और मैं एकदम कंफर्टेबली पीछे आके बैठ जाऊं ये चीज कोई और एसयूवी आपको नहीं देने वाली है जी हाँ इसका जो सीटिंग कंफर्ट है इज़ अमेजिंग। थाई सपोर्ट बहुत कम है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस सीटिंग पोजिशन बाकी सारी एसी में ना आप ऐसे बैठते हो लाइक स्ट्रेट या थोड़ा रिक्लाइन रहता है बट जो आपके पैर है ना वो एकदम स्ट्रेट ही रहते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल में एक रिक्लाइन दिया गया जिस वजह से आप यहाँ कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हो ओवरऑल हेडरूम डिसेंट इनफ बहुत ज्यादा नहीं है नी रूम इज गुड ओवरऑल आपके पास स्पेस गाड़ी में अच्छी खासी है गाड़ी वाइड भी है चौड़ी है तो इस वजह से तीन लोगों के बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और जो सेंटर पार्ट है ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है तो इस वजह से कन्वीनियंस आपको काफी मिल जाता है ऑन द बैक सीट पीछे आपके पास आर्म रेस्ट मिलता है और ये आर्म रेस्ट जैसे होंडा में जनरली होता है ना वो आर्म रेस्ट नीचे चला जाता है सीट पे इसमें वो नहीं जा रहा है ये काफी ज्यादा बेटर दिया गया है और हेडरेस्ट जो है केवल दो आते तीन दे देते तो ज्यादा बेटर रहता बट आई थिंक ये एक ऐसी गाड़ी है जहां पे तीन लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आइडियली और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को एसी वेंट्स आ जाते हैं और एसी वेंट्स थोड़ा बाहर तक आ रहे तो अगर मैं बीच में बैठूंगा यहाँ पे तो ये पार्ट बहुत क्लोज आ जाएगा मेरे लिए सो so, ये चीज थोड़ा और बेटर हो सकता था इसके अंदर थोड़ा और ये आगे हो सकता था बट ओवरऑल आई फील इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट इसमें आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है यानी कि आप एक सीट को फोल्ड कर सकते हो अगर आप सामान ले जा रहे हो बट एक चीज याद रखना सीट जो है फ्लैट फोल्ड नहीं है

Handbrake छोड़ दिया नीचे एंड हियर वी गो अब में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इसमें आपको हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक या डीजल या टर्बो पेट्रोल जैसे ऑप्शन नहीं दिए गए एक ही इंजन है जो वन लीटर की वीटेक इंजन है अब इसका जो पावर है अगर आप एक रेगुलर ड्राइवर हो मैं वो नंबर पर नहीं जा रहा हूँ एक सौ अठारह एक सौ बीस बी एचपी उस पर नहीं जा रहा हूँ अगर आपको रेगुलर ड्राइव करनी है सिटी में हाईवे पे 80 100 की स्पीड पे आप वो कंफर्टेबली कर सकते हो कन्वीनियंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सडेडर दबाओगे इन द मैनुअल कार एंड इट विल पुल क्वाइट इजीली तो शहर के अंदर ओवरटेक करने में आपको इशू नहीं आएगा हाईवे पे आपको एक गियर डाउन करना पड़ेगा कि आप 80 पे हो 100 पे जाना हंड्रेड एंड पे जाना है तो आपको डाउन शिफ्ट करके ओवरटेक कर सकते हो या आपको इंजन को काफी ज्यादा रेव करना पड़ेगा सो दैट यू कैन ओवरटेक सुना आप दे तो ये काफी फ्रीली इंजन ड्राइव होती है इस गाड़ी की और ये आराम से साढ़े छह सात हजार आर तक जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के सो so, अगर आपको हार्ड एक्सलेशन करना है लिसन लिसन टू द एग्जॉस्ट इट्स सो स्वीट एकदम स्वीट है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट सो ओवरऑल जो इसका ड्राइव है जो इसका पिकअप है वो तो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए अच्छा है बट जो सीवीटी वर्जन आ जाता है इसमें उसमें भी इंजन वही है बट अगर आप जोर से यू नो यूर जस्ट ड्राइविंग ऐसे नॉर्मली और आपने एक्सीटर जोर से दबाया इंजन सिर्फ रेव हो रही है ज्यादा तेजी से आगे बढ़ नहीं रही है तो जो रबर बैंड इफेक्ट आता है कि वो लेटेंसी आती है कि आपने एक्सेटर दबाया और ऐसे नहीं कि तुरंत आपको पावर आता है इसे थोड़ा समय लगता है टू तो गिव यू दैट पिकअप तो उसके लिए अगर आप पैडल शिफ्टर इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो पावर डिलीवरी है आप थोड़ा आसानी से और ओवरटेक कर पाओगे हाईवे पे अगर आप पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करते हो देन एक्चुअली यूजिंग द डी मोड आप स्पोर्ट मोड पे भी इस्तेमाल करोगे देन आल्सो इट्स करोगेट इनअ सो ओवरऑल इसका पिकअप अच्छा है इज नो रियल यार पावर नहीं है परफॉर्मेंस कम है अगर आप एक नॉर्मल कार ड्राइवर हो अगर आप एक हार्ड हु लाइक्स दैट एक्स्ट्रा पिकअप दैट एक्स्ट्रा पंच उनको यू विल डेफिनेटली मिस हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल इंजन क्योंकि उसका जो पिकअप है जो उसका बोलते हैं ना रश जो वो बनाता है दैट्स क्वाइट अ लॉट मोर देन व्हाट दिस कार डिलीवर्स इसकी जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी खासी है आप शहर में चलाओ हाईवे पे चलाओ आपको दिक्कत नहीं यू नॉट फील अनकंफर्टेबल अगर आप टूटी फूटी सड़कों पे चला रहे हो एंड ओवरऑल हैंडलिंग इज डिसेंट इनफ देर इज नथिंग टू कंप्लेन एज सच बट मेरे हिसाब से एक चीज जो मिसिंग हो जाती है वो जो स्टीयरिंग व्हील है और जो रोड है उसका कनेक्ट कहीं ना कहीं कभी कभार मिस फील होता है तो अगर आप एक एंथुजियास्ट के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं यू विल मिस आउट दैट यू नो कनेक्टिविटी एक जो फीडबैक आपको मिलता है स्टीयरिंग पे वो छोटा सा एक डिस्कनेक्ट एस्पेक्ट मिल रहा है मुझे अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो सच कम्प्लीट सो अगर आप एक नॉन एंथुजियास्ट हो यू आर अ नॉर्मल कार ड्राइवर फैमिली के लिए गाड़ी लेनी यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल टू ड्राइव दिस कार बहुत ही कन्वीनियंट है आपको पूरा रोड दिख जाता है बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं आपका जो मिरर एरिया है भले वो छोटा है बट इट्स बिग इनफ टू एक्चुअली कवर दैट एंटायर एरिया तो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स होने के चांसेस भी कम है और लेफ्ट में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी दिया गया है अब इस गाड़ी में आपको एडाज भी आता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज की आपको एडाज जो है एक ऐसे प्राइस पॉइंट से शुरू होगा जहाँ पे आज कोई भी एडाज ऑफर नहीं कर रहा है एंड दैट्स सेज कि आज जो एस लेना चाहते हैं एडाज जो है काफी महंगा पड़ता है उनके लिए बट विद दिस वन आपको एडाज जो है काफी अफोर्डेबल प्राइस पाएगा जैसे लुक एट द होंडा सिटी ऑलमोस्ट पंद्रह लाख ऑन रोड पे आपको सिटी में एडाज मिलता है आप होंडा ने नहीं बताया कि क्या प्राइस पॉइंट पे आपको एडाज मिलेगा इन दिस बट उन्होंने डेफिनेटली कहा है कि आपको एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे एडाज मिलेगा जो कोई और ऑफर नहीं कर रहा है तो अगर आप क्रेटा सेलटॉस कोई भी और टर्बो पेट्रोल एस से, वी से कंपेयर करते हो

फर्स्ट कॉमन आंसर वी जनरली गेट इस यार फीचर नहीं है शुड वी कंसिडर बाइंग इट ऑन नो तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी आप सिर्फ फीचर्स देख रहे हो यू शुड लुक एट द प्राइजिंग ऑल्सो तो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है हॉंडा एलिवेट के दो मेजर एडवांटेजेस आपको मिलने वाले सबसे पहला ये कि जिसकी प्राइजिंग पॉइंट रहेगी विथ फीचर्स जो ये ऑफर करेगी एट दैट प्राइज विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग तो आपको लोअर प्राइस पॉइंट पे ऑटोमैटिक मिलेगा तो आपको 15-16 लाख पे ऑटोमेटिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस एसयूवी जी हाँ आपको एक फुल साइज एसयूवी मिल रही है विथ ऑटोमैटिक एंड इवन जो एडास की प्राइसिंग रहने वाली है वो काफी अग्रेसिव होने वाली है इनफैक्ट आपको एडास जो है लोअर ट्रिम से ही मिलने लगेगा इन द होंडा एलिवेट जिस वजह से अगर आपका बजट कम है तो एलिवेट आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहां बन सकती है लेट मी ब्रेक इट अप विद एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज अगर आप होंडा सिटी को देखते हो होंडा सिटी की प्राइस लगभग तेरह लाख से शुरू होती है साढ़े लाख तक जाती है ऑन रोड अगर मैं केवल पेट्रोल की बात कर लूँ मैन्यूल या सी यहाँ पे आपको लोअर ट्रिम में भी सीवीटी आता है एंड मिड लेवल लगभग पंद्रह साढ़े पंद्रह लाख तक आपको एडाज भी मिल जाता है डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो ठीक है तो आपको एडाज लगभग पंद्रह लाख से मिल रहा है तेरह चौदह लाख से आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है तो ये एडवांटेजेस आपको कोई और सेडान नहीं दे रही है द सेम स्टोरी विल कंटिन्यू एलिवेट टू आपको ऐसे प्राइस पॉइंट पे एडाज मिलेगा जो बाकी की दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफ़र करेगी आपको ऑटोमेटिक ऐसे प्राइस पॉइंट पे मिलेगा जो दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफ़र करेगी तो अगर आप सेल्टॉस क्रेटा वगैरह के टॉप एंड से इसे कंपेयर कर रहे हो आई थिंक यू विल बी इनकरेक्ट क्योंकि इसकी प्राइसिंग उतनी हाई नहीं जाने वाली है इनफैक्ट ये जो दूसरी एस यूज है क्रेटा सेल्टॉस हाई राइडर विटारा इन सब के ऑलमोस्ट मिड लेवल तक आप इसको कंपेयर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग और वहां पर इसको क्लियर एडवांटेज आ जाएगा कि जो इसकी प्राइजिंग रहेगी वो ज्यादा फीचर्स के साथ आएगी विज कॉम्पिटिशन होंडा ने नहीं की, है, analysis, ये गाड़ी वैसी प्राइस की जाएगी तो अगर आपको है, sorry, को एक हॉंडा का जो करंट एलिवेट का टॉप एंड लेना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं आते या फिर आपको कोई और दूसरी गाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा बट डेफिनेटली जो एक मिड साइज कैटेगरी बायर है जो लोअर वेरियंट ले रहे है या मिड मॉडल ले रहे उनको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा प्लस जो कॉम्पैक्ट ऐसी ले रहे हैं नेक्सॉन सोनेट वेन्यू उन लोगों को एक थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस पे ज़्यादा बड़ी गाड़ी भी मिलेगी एडाज मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे कंपैरेटिवली तो उनके लिए भी एक कम प्राइस पे अपग्रेड यहाँ दिखाई दे रहा है सो हॉन्डाज बीन प्लेइंग द गेम वेरी स्मार्टली एंड मेरे हिसाब से दिस कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट अगर इसकी प्राइजिंग अच्छे से की गई और वेरियंटिंग एंड स्पेक्स ऑफ वेरियंटिंग और बेटर किए गए तो तो ये था मेरा आज का कंप्लीट एनालिसिस फॉर यू ऑफ द हॉन्डा एलिवेट अब आई नो आप में से काफी लोग अभी भी कंफ्यूज है कि यार आखिर मैं क्या गाड़ी खरीदू इतने सारे ऑप्शन है मार्केट में मतलब विच इज द परफेक्ट चॉइस फॉर मी तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं अब आप पूछोगे करना क्या है आप सिर्फ चले जाइए मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लच कार वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअ कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एंड एक्सपर्ट और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं हूँ चैनल पर अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप इसके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कॉन्टेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं सो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए सो so, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस टेक केयर बाय